हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, और रूटीन्स जो वीडियो आजकल आप देख रहे हैं चल रहे हैं, मैंने दो आपके साथ मॉर्निंग व्लॉग शेयर किए थे, पार्ट वन और पार्ट टू। और उससे पहले कि हम और आपके साथ रूटीन वीडियो शेयर करें, तो हम अभी आपके साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के जो मैसेज होते हैं कि माता जी किस प्रकार से हम जो है डायरी में इस प्रकार से टू डू लिस्ट बनाएं और किस प्रकार से ठाकुर जी का मील प्लान बनाएं, तो अगर आप वो बता देते तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता। तो आज के व्लॉग में हम यही शेयर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट जैसा भी मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, और क्या पता आपको भी इससे कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और रूटीन जो है सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी दिनचर्या अलग होती है। कोई वर्किंग होते हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई होम मेकर है। इसी प्रकार से जो माताएं हैं जो गृहस्थ हैं जीवन जी रहे हैं, और गृहस्थ जीवन में भी सेवाएं करने कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी का सेवा, अगर माता जी हैं तो उनको अपने हस्बैंड का सेवा, बच्चों का सेवा, और घर को अच्छे से मेंटेन करना, खुद का भी जो है स्पिरिचुअल लाइफ को देखना, आध्यात्मिक प्रगति करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, सब कुछ ये सब चीज़ें करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो हम रूटीन बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और कहीं पर लिखते हैं और रात को सोने से पहले एक बार एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जैसे भी मैं करती हूँ आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। और अगर इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने नियर एंड डियर के साथ, जिनको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं, जो कि प्रगति करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस व्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से यहाँ पे हल्का सा ठंडा मौसम हो गया, पंखे बहुत कम चल रहे हैं और एक एक ब्लैंकेट भी निकल गया है। तो आपके यहाँ पर वेदर कैसा है आप बताइएगा, और ठाकुर जी का सेवा आपका कैसे चल रहा है और चैंटिंग कैसे चल रहा है। और कार्तिक भी आने वाला है, आप अक्टूबर में अब कार्तिक भी आने वाला है, तो कार्तिक की आई होप आप सब तैयारियां कर रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो डायरीज के ऊपर है, तो आज हम इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरी ओपन कर ली है, और मैं सेप्टेम्बर मंथ का जो ये श्रीमद् भागवतम से जो लिया गया है कोट, उसे पढ़ रही हूँ। तो आप भी इसे पॉज करके जो पढ़ सकते हैं। और अभी कुछ वीडियोस में आपको मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी हैवी लग सकती है, क्योंकि जो मेरा गला है वो काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ था। अभी ठीक है, बस ख़राब भी नहीं हुआ है, पेन भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा भारी हो गया है। तो बस चलिए अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आपको अगर ये पढ़ना है तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ठाकुर जी का मील प्लान ही शेयर कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि माता जी आप ठाकुर जी का मील प्लान शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी के लिए मैंने 3 दिन का जो है मील प्लान किया है, 19, 20 और 21 का, है ना। तो आप कम से कम 2 दिन का या फिर कम से कम 1 दिन पहले तो आपको, मुझे लगता है, मील प्लान बनाना चाहिए कि कल हम ठाकुर जी को ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 19 सितंबर का लगा लिया है। मैंने आलू पूरी और उसके साथ में जो है कड़ी चावल, मतलब मैं मॉर्निंग में ही सब कुछ एक साथ बना लेती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि माता जी फिर आप लंच में क्या भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। तो मैं लंच में जो है ना वन फ्रूट या फिर कोई भी फ्रूट, जैसे कि मान लीजिए पपाया है, जो भी सीजनल फ्रूट है, या फिर ड्राई फ्रूट्स है, या कभी कोई मीठा चीज़ बना लेते हैं, तो वही हम लंच में भगवान को ऑफर कर देते हैं। उसके बाद भगवान रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिनर में जो है मैंने बनाया है खिचड़ी, पापड़ और अचार। अचार ऑप्शनल है, ठाकुर जी को अचार सारे ऑफर्ड ही हैं। और एक जो बॉक्स है मैंने रखा है, जो इसमें से मैं ठाकुर जी को भोग लगाती रहती हूँ,
उसमें से हम नहीं लेते हैं। तो नेक्स्ट डे था 20th September, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है कुंदरू और आलू की सब्जी, साथ में चपाती, दाल चावल, ठीक है, और साथ में जो है आप देख सकते हैं चटनी, तो मैंने चपाती शायद दो भर लिख दिया इसमें। तो चलिए आगे और बताते हैं। और लंच में होगी दाल चावल, है ना, और चपाती इसलिए लिखा कि कभी कभी जो है ना लंच में कोई चपाती ले सकता है या फिर कोई राइस ले सकता है। और मैंने बताया ना मैं लंच में भगवान को कुछ ना कुछ फ्रूट ऑफ़र करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पपाया था, तो मैंने उस दिन पपाया के लिए मैंने सोचा पपाया ऑफ़र कर देंगे। और उससे नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं डिनर, डिनर में अब समझ जाइए कि अब सुबह में प्रसाद हम अच्छे से लिया है, लंच भी लिया है, तो शाम के समय इतना ज़्यादा भूख नहीं होता है। तो कभी कभी जो है ना मूरी वाली नमकीन बना के रखी होती है, कभी कोई वो ले लेता है, जैसे कि मैं और प्रभु जी वही ले लेते हैं, है ना, मिल्क ले लेते हैं, थोड़ा दूध ले लेते हैं। और कभी जैसे ज़्यादा थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बनाना हो भगवान के लिए तो हम उपमा बना लेते हैं ग्रीन चटनी के साथ। और ये रही हमारी जो प्लानिंग इंदिरा एकादशी की। एकादशी के दिन मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी आलू पनीर की सब्जी, कभी कभी मैं पनीर का शाही पनीर भी बना लेती हूँ, और कुट्टू के पकौड़े जो आलू डाल के बनाते हैं, फ्रूट्स कट कर लेंगे और सैलड में बना लेंगे पीनट, कुकुम्बर और टमाटो का सैलड, एप्पल चटनी भी सोची। अब देखते हैं ठाकुर जी कितना बनवा पाते हैं, कोई एक चीज़ तो मुझसे छूट ही जाती है इसमें। और लंच में हम लोग तो यही ले लेंगे। और रात के समय में मैंने सोचा था कि अभी भगवान को इस तरह से जो है कुछ ऐसा ऑफरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट्स ऑफर कर देंगे। और आप सोच रहे होंगे लंच में लिखा क्यों नहीं, क्योंकि लंच में मैंने बताया ना कोई फ्रूट ऑफर कर ही देते हैं। तो ये रहा मील प्लान। और इस तरह से ही आप एक छोटी डायरी हमेशा एक हैंडी रखिए, ये मैंने खुद ही बनाई है डायरी, और जब मैं छोटी थी मतलब मम्मी के घर पे थी पढ़ती थी तब मैं इस तरह की डायरीज बहुत ज़्यादा बनाती थी, और मुझे ये प्लेन पेपर पे लिखने का बहुत ज़्यादा हैबिट है इस तरह से। और आप मेरी राइटिंग भी देख सकते हैं कि मेरी राइटिंग बिना लाइन के एकदम स्ट्रेट आ रही है, तो ये मेरे को बचपन से ही हैबिट है कि मैं प्लेन पेपर पर बहुत ही ईजीली लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो बनाया है इस तरह से टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं आप इसको, तो इसमें हम जो है ना जो भी हमारे डे टू डे लाइफ के जो रोज काम करते हैं ना हम वो लिख सकते हैं जो कि हमारे छूट जाते हैं। जैसे कि आप देखो क्लीन यूटेंसिल्स है ना, सारे के सारे जो यूटेंसिल मुझे जो था ना मतलब अच्छे से क्लीन करने थे और कुछ जो एक्स्ट्रा ना मुझे निकालने थे, तो मैंने इसलिए इस तरह से लिख दिया है। और कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि राधिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी 19 September को मुझे सारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से अरेंज करने हैं। और कुछ कपड़े जो हैं धोने के लिए पड़े थे हाथ से, वो भी मुझे वॉश करने हैं, और राधिका की जो एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। और इस तरह से लिस्ट बनाने से क्या होता है कि हमारे जितनी भी छोटी छोटी सेवाएं होती हैं वो हमें पता रहती है कि एक के बाद हमें क्या करनी है। और इसके आगे ना आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना लीजिए ताकि जब आपके ये काम हो जाए तो आप इसको टिक कर सको। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा है कि मुझे कपड़े सुखाने भी हैं, तो आज कपड़ों का सेवा मेरा ज़्यादा है 19 September को, और कपड़े मुझे प्रेस भी करवाने हैं, अच्छी तरह से अरेंज भी करना है, एक ड्रॉअर, एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, और जो मेरा सीढ़ियों वाला जो एरिया है उसे मुझे बिल्कुल डिक्लटर करना है और इसको अच्छी तरह से रेडी करना है, क्योंकि अब फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे तो मैंने सोचा है मैं वहाँ पर कुछ चेंजेस कर देती हूँ। तो इस तरह से जब हम छोटे छोटे टारगेट्स लिख लेते हैं ना, घर के जो भी सेवाएं हम लिख लेते हैं और ये कंप्लीट होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप अपने स्टडी से रिलेटेड भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है ना, आज कौन सा जो बुक के कितने पेजेस पढ़ने हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो लिस्ट है एकदम रेडी है, और आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और ये जो डायरी है ना मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ, कभी मैं आपको दिखाऊंगी ना जहाँ पे मेरी किचन होती है उसके पास में टेबल है जो राधिका की स्टडी टेबल है, उस पे रखी रहती है क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जाती हूँ, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ती रहती है। चाहे तो आप इसको किसी बोर्ड पे भी बना मतलब लगा सकते हैं, तो इस तरह से ये आपकी आंखों के सामने रहेगी, तो वन बाय वन आपके जो जितने भी काम हैं एकदम कम्प्लीट होते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो है आप और भी टारगेट्स ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि डेली मैं 5 जो बॉक्सेस किचन के क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि मैं एक साथ जो है ना किचन क्लीन करने का समय नहीं निकाल पाती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट में आप आपको मार्क्स भी दें,
और देखिए आप 10 में से या 11 में से अगर मान लीजिए 6 भी करते हैं तो इट्स अचीवमेंट, क्योंकि इससे पहले तो आपका कोई भी सेवा लाइनअप नहीं हो रहा था ना। इसको करने से कम 5-6 काम तो आपके हुए। और फिर नोट भी लिखिए कि क्या क्या सेवाएं अब रह गई हैं और उसको नेक्स्ट डे पे लिख दीजिए, मतलब 20 सितंबर पे आप उसको डाल दीजिए। और ये छोटी डायरी है जैसे कि मैंने इसमें डाला था, जो भी घर का सामान या फिर किचन का सामान जब ख़त्म होने से पहले ही मैं इसमें लिख देती हूँ, और कभी कभी ख़त्म हो जाता तब भी लिख देती हूँ। जैसे अजवाइन ख़त्म होने वाली है, हमारा तेज पत्ता भी 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, सेंधा नमक भी आधा बॉक्स ही बचा है, तो इस तरह से मैं इस पर लिख देती हूँ। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं ताकि एट ए टाइम ये ना हो कि कोई चीज़ ख़त्म ही हो जाए। तो इसको जब आप कभी बाहर जा रहे हैं तो इसमें से फाड़ के लेके जाए चले जाइए साथ में। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तब भी आपके ध्यान में रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मंगवानी है, और बाहर है कोई तो आप इसका फ़ोटो क्लिक करके उनको दे दीजिए, वो सामान लेके आ जाएंगे तो ठाकुर जी के किचन में जो सामान आपके एकदम भरा रहेगा। और ये जो डायरी है, ये भी जो छोटी डायरी है, ये मेरे हमेशा टेबल पर रहती है, क्योंकि हम सब चीज़ पर ध्यान तो दे देते हैं, हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, सेल्फ केयर पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मतलब फुल डे हमें क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, ऑयलिंग करनी है राधिका के और मुझे अपने सर पे, योगा 30 मिनट, वॉक 30 मिनट, और सोक्ड आलमंड या फिर कुछ और नट्स जो भी हुए हैं वो लेने हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, सबको दे देती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने इसको लिख ही दिया है। और मॉर्निंग में जो पाने होते हैं वो मैं इवनिंग में पा रही होती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। 3 लीटर पानी पीना है, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाया है वो भी लेना है। इस तरह से हम जो है अपने छोटे छोटे टारगेट्स जो अपनी हेल्थ रिलेटेड आपकी अपने भी हो सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जो आपको अपने लिए अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये डायरीज जो हैं मैंने आपको दिखा दी हैं, और इसको हमने मैंने ये भी बताया अलग अलग प्लेसेस पे मैं रखती हूँ ताकि मेरे नज़रों के एकदम सामने रहें। तो ये मैंने आप सबके लिए ट्राई किया क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे माता जी हमसे ये हो नहीं पा रहा है, तो आप ये इस तरह से भी कोशिश करके देख सकते हैं, और बिल्कुल अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो चलिए अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं स्टडी के रिलेटेड कैसे करती हूँ। ये जो सैम्पल बनाया है मैंने आप सबके लिए, ये मेरी एक्चुअल डायरी नहीं है, और इस तरह से जो है मैं बता देती हूँ कैसे लिखती हूँ। ऊपर मैंने स्टडी लिख दिया है, और अगर आप स्टूडेंट हैं आप अपनी स्टडी रिलेटेड भी लिख सकते हैं, और अगर आप भक्त हैं तो आपको रीडिंग हीरिंग चैंटिंग सब चीज़ें करनी होती हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ, जैसे रीडिंग में आपको एक श्लोक डेली पढ़ना होता है भगवद गीता का अच्छी तरह से, या फिर आप जो पढ़ते हैं उसको फिर आप रिसाइट भी करते हैं, है ना, तो उसको आपने रिसाइट भी कर लिया है। हीरिंग आपने मान लीजिए 30 मिनट्स करी हैं, क्या करा है वो आप लिख सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना है, अपने गुरु महाराज का लेक्चर सुना है, इस तरह से प्रभुपादवाणी.com से आपने कुछ सुना है, तो वो आप इस पर लिख दीजिए कि आपने कितनी देर पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा या कितने मिनट पढ़ा, पर लेकिन पढ़ना है चाहे 10 मिनट ही पढ़े आप। और मैंने यहाँ पर चैंटिंग नहीं लिखा आप, लेकिन चैंटिंग भी लिखिएगा, ठीक है, चैंटिंग अटेंटिव चैंटिंग लिखिए कि कितनी माला आपने अच्छे से करी हैं, या फिर आगे के लिए लिख दीजिए कि आज अच्छे से नहीं हुई है, नोट्स में लिख सकते हैं इतनी माला अच्छे से हुई है बाकी अच्छे से नहीं हुई है, तो उसको आप देख सकते हो एंड नोट्स बना सकते हो जो भी आप हेयरिंग कर रहे हो। इट्स जस्ट अ सैम्पल फॉर यू, और सेल्फ स्टडी में आप अपना सब कुछ लिख सकते हो, मतलब आप अगर स्टूडेंट भी हो ना आप अपना उससे रिलेटेड भी अपनी इस तरह से डायरी मेंटेन कर सकते हो। और एंड ऑफ द डे जब आप सोने से पहले अपनी जो डायरी को अवश्य देखें, और जो भी कुछ कमी लग रही हो कि आज मुझे 1 घंटा पढ़ना था तो मैंने सिर्फ 1/2 घंटा ही पढ़ा है, तो उसको आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट डे आप इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, कंक्लूज़न अवश्य दें। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे के लिए हमारा माइंड प्रिपेयर होता है ना। आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या कमियाँ लगी, आप क्या क्या सुधार अपने अंदर और लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि मेरी एक और डायरी है ना, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये अपने आप बनाया है DIY। ये राधिका का एक छोटे का ड्रेस था, उसने बिल्कुल भी नहीं पहना था, उसमें जिप भी लगी थी इस तरह से, ये एक जैकेट टाइप था तो बहुत छोटा था, तो मैंने इसका पाउच बना लिया है ना। तो ये रही हमारी डायरीज़। तो चलिए अब बारी है आपकी, आप भी अपने अपने इस तरह से रूटीन बनाइए,
और आप सब मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग जो यहीं तक था, आई होप आज का ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं और मैं उन सजेशन का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कुछ और क्वेरीज है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा लिंक है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु जीस का ग्रुप ज्वाइन करें, माता जीस का ग्रुप ज्वाइन करें। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। और अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।